सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कैंडी फॉक्स के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि कैंडी फॉक्स के चैनल पर जो एक सॉन्ग अपलोड हुआ था करी पुलिस, जिसको लेकर जो एक कंट्रोवर्सी हुआ था, क्योंकि उस सॉन्ग में जो है इंडिया को थोड़ा सा गलत पोर्ट्रे किया गया था, मतलब गलत दिखाया था इंडिया को, जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स उस वीडियो के नीचे कॉमेंट किए थे, रफ्तार भी कॉमेंट किए थे, जो कि मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में दिखा चुका हूँ। एंड बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था उस सॉन्ग को। लेकिन अभी का अपडेट ये कि वो सॉन्ग को वो लोग ने प्राइवेट कर दिया, मतलब कि हटा दिया, एंड एक अपोलॉजी वीडियो अपलोड किया उनके चैनल पर। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, संदीप महेश्वरी के बारे में। तो संदीप महेश्वरी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे मास्टरबेशन को लेकर, पॉर्न एडिक्शन को लेकर, जहां पर वो बोले थे कि लिमिट में मास्टरबेट करने से ठीक है, एंड अगर लिमिट से ज्यादा हो जाता है देन फिर वो गलत है। तो उसी पॉइंट को लेकर जो है इल्यूमिनाटी शो अपने चैनल पर दो वीडियोस अपलोड किया, जहां पर वो संदीप महेश्वरी को वो वीडियो को रिप्लाई किया। संदीप महेश्वरी उस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स को कहे थे, उसको वो क्रिटिसाइज किया, उसको वो गलत बोला। दोनों ही वीडियोस 10 मिनट के ऊपर का, मैं छोटा सा क्लिप दिखाया था। अगर आपको द इल्यूमिनाटी शो का पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और संदीप महेश्वरी जी जैसे महान लोग, समझदार लोग, अगर ये कहने लगे कि मास्टरबेशन और खाना पीना ये सारी चीजें तो नेचर का कॉल है भैया, तो सोचो जरा, आप अकल लगाओ, क्या ये सही है? तीसरा सवाल संदीप महेश्वरी जी को, इसका क्या मतलब है आपने जो ये वीडियो में बोला कि नो फैप अगर कोई कर रहा है उसमें अगर कोई अश्लील वीडियो देख लेता है, उसको उस चीज की लत लग जाती है तो वो समझ में आता है, क्या मतलब है इसका सर? नोफैप का तो पूरा का पूरा कंसेप्ट ही यही है कि अश्लील वीडियो नहीं देखना है, अश्लील वीडियो देखकर कोई भी मास्टरबेट करने का ख्याल नहीं आना चाहिए दिमाग में और ना ही करना है। तो संदीप महेश्वरी जी ने एक ब्लाइंड कॉर्नर तैयार कर दिया है कि जिस प्रकार से मैं इनके ऊपर कोई अगर प्रॉब्लम भी डालूं तो ये डायरेक्टली मुझ पर ब्लेम ना कर पाए, मुझ पर कोई उंगली ना उठा पाए। संदीप महेश्वरी जी जो कहते हैं ना कि सीमेन रिटेंशन करके भैया कौन सक्सेसफुल होता है वगैरह वगैरह, तो क्या संदीप महेश्वरी जी ने घर घर जाकर पता लगाया है सक्सेसफुल लोगों से कि भाई आपने सीमेन रिटेंशन किया है, आपने नो फैप किया है, आपने ब्रह्मचर्य पालन किया है? उन्होंने तो ये अपना एक ओपिनियन रख दिया ना सबके सामने। अगर ये छोटी मोटी बात होती ना तो आपके वीडियो पर इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते, इस वीडियो पर पर्टिकुलरली जो रेगुलर वीडियोज होती है ना उस पर आपके उतने व्यूज नहीं आते कंपेयर टू दिस वीडियो इन पर्टिकुलर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं काल रॉक के बारे में। तो काल रॉक आपको पता होगा ये काफी पॉपुलर यूट्यूबर है इंडिया में, तो ये काफी ज्यादा ही पॉपुलर है। तो रिसेंटली ये पाकिस्तान टूर पर गए थे, तो वहां पर क्या होता है कि वो एक दुकान पर गए थे एंड वहां पर वो पाकिस्तानी दुकानदार जो है काल रॉक के थ्रू इंडिया को थोड़ा सा ट्रोल करना चाहता था। लेकिन क्या हो गया, काल रॉक कुछ ऐसा जवाब दे दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान वो जो बंदा था वो खुद ट्रोल हो गया। मैं काल रॉक के वीडियो का वो वाला क्लिप दिखाता हूं, अगर आपको उनका पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। You have to say the tea is fantastic. Why? Yes. Nay. I know what you're trying to make me do. You just have to say. No, I'm not going to troll India. I'm not going to troll India. That's good. No. The tea in India is better. Indian tea is better. Sorry, bro. But their soldiers drink from here. Hey, chup. Okay, bro. I have one thing to say to you. Yeah. Jai Hind. Look at his face. I don't care. I don't mind. तो उसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए काल रॉक एक ट्वीट किया, जहां पर वो लिखे ए पाकिस्तानी इन लाहौर स्टार्टेड ट्राइंग टू ट्रोल इंडिया बट आई गॉट द लास्ट लाफ #जय हिंद जय हिंद। एंड उसके ऊपर अभी न्यू भी रिएक्ट किए हुए एक ट्वीट किया, जहां पर वो लिखे प्राउड ऑफ यू, आई विश इंडिया पाकिस्तान राइवलरी कुड बी लिमिटेड टू क्रिकेट हॉकी एंड अदर स्पोर्ट्स बट एनफ ऑफ विशफुल थिंकिंग। मैं वो वीडियो देख के सच में हंस गया, क्योंकि समझ सकते यार पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानियों को ही ट्रोल कर देना, पाकिस्तान को ही ट्रोल कर देना, भाई ये बहुत खतरनाक चीज है भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुकी है आशीष चंचलानी के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने ब्लू टिक तो देखा होगा ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का ब्लू टिक होता है इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, बट क्या आपने कभी दो ब्लू टिक देखा है किसी सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम पेज पर? मैं अभी आपको दिखाऊंगा आशीष चंचलानी के इंस्टाग्राम पर जो है दो ब्लू टिक है। यकीन नहीं होता तो देख लो स्क्रीन पर, दो ब्लू टिक है। अगर आप दोनों ही ब्लू टिक पर क्लिक करोगे तो लिखा हुआ आएगा वेरीफाइड है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आपको बता दूं इंस्टाग्राम ने जो न्यू फीचर लॉन्च किया है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड है उनको जो दो वेरिफिकेशन बैच मिलने वाला है। नहीं भाई मजाक कर रहा हूं, ये एक ग्लिच है, ग्लिच वैसे ऐसा हुआ था, सबको ऐसा नहीं दिखा रहा था, जिसने मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजा था शायद उसको ऐसा ग्लिच हुआ होगा। ये जो अभी मैं दिखाया ये एक ग्लिच है, ठीक है। और जो यहाँ पर आशीष चंचलानी से रिलेटेड एक और अपडेट है, तो आशीष चंचलानी का जो है आज एक न्यू वीडियो आ रहा है, जहाँ उसके रिगार्डिंग आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाले थे, जहाँ पर वो लिखे न्यू वीडियो टुमारो अराउंड 2 PM फॉर एंटायर फैमिली, मिलते हैं कल अपने यूट्यूब चैनल पे। सो यस, बहुत टाइम बाद वो वीडियो अपलोड करे, लेट्स सी उनका न्यू वीडियो कैसा होता है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं एल्विस यादव वर्सेस निकिता यादव के बारे में। तो ये जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था आपको पता होगा, मैं पूरी तरीके से कल
एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, कल का मेरा वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पता होगा आपको कि निकिता यादव जब एलविश यादव को रिप्लाई कर रही होती है तब वो जो कुशा कपिला का नाम लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कुछ टाइम पहले एलविश यादव का कुशा कपिला के साथ भी कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था एंड कुशा कपिला जो एक वीडियो भी बनाई थी एलविश यादव के ऊपर, तो वही निकिता यादव अपने रिप्लाई वीडियो में बोलती है कि कुशा कपिला ने जो एलविश यादव को कुछ टाइम पहले धोया था ऐसा वैसा। तो यहाँ पर अभी उसी को लेकर कुशा कपिला को अभी रिसेंट में हेट मिल रहा है। कुशा कपिला अभी निकिता यादव वर्सेस एलविश यादव कॉन्ट्रोवर्सी में मतलब वो कुछ भी रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको हेट मिल रहा है क्योंकि निकिता यादव ने जो कुशा कपिला का नाम ले लिया था। तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कुशा कपिला लिखी, व्हाई एम आई गेटिंग दिस मैसेजेस अगेन, व्हाट हैव आई मिस्ड, प्लीज गिव मी कॉन्टेक्स्ट इंटरनेट, इस चैप्टर के रीरन्स नहीं खत्म होते बाय गॉड। फिर वो एक और स्टोरी पोस्ट की जहां पर वो लिखी, फ्रेंड्स मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल गया है, लॉल द टी इन माई डीएम्स, आई मस्ट हैव बिकम रियली ओल्ड टू हैव मिस्ड ऑल द रीसेंट डेवलपमेंट्स, ऑल्सो मे बी बिकॉज वी हैपन टू बी इन पैंडेमिक, हालत जैसे भी हो लड़कियों को गालियां कंसिस्टेंटली पड़ती रहती है, ओ व्हाट जॉय इट इज टू बी अ वुमन ऑन द इंटरनेट। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कुशा कपिला ने जो एलविश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ वो इनडायरेक्टली थोड़ा सा रिप्लाई कर दी। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मिथपैट एंड स्ले पॉइंट के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कुछ टाइम पहले मिथपैट एंड स्ले पॉइंट जो एक चैरिटी स्ट्रीम ऑर्गेनाइज किए थे मिथपैट के चैनल पर, वहाँ पर वो बोले थे कि 50 लाख रुपीज टोटल रेज हुआ था उस चैरिटी स्ट्रीम में। कुछ टाइम पहले मिथपैट एक सरप्राइज देने का बात कर रहे थे अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, तो सरप्राइज ये है कि उस चैरिटी स्ट्रीम में जो 50 लाख रुपीज रेज नहीं हुआ बल्कि 60 लाख रुपीज रेज हुआ है। अच्छा आपको पता होगा कुछ टाइम पहले लक्ष्य चौधरी एक वीडियो बनाए थे चैरिटी स्ट्रीम जो करते हैं यूट्यूबर्स, उनके ऊपर वो वीडियो बनाए थे, वो बोले थे कि शायद से उनको जो है कमीशन मिलता है चैरिटी स्ट्रीम करने का, या फिर उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, इमोशनल होकर लोग सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा कुछ बोले थे आपको पता होगा। तो उसके ऊपर रिप्लाई करते हुए मिथपैट एक स्टोरी पोस्ट के जहां पर वो लिखे, वी हैव डोनेटेड ऑल द मनी, हैव पोस्टेड द प्रूफ्स, डोंट वरी, वी डोंट हैव एनी कमीशन इन दिस, वी जस्ट वांट टू स्प्रेड अ मैसेज दैट गो हेल्प, वी ऑल हैव टू बी डियर फॉर ईच अदर। ऑल्सो वो लोग 60 लाख रुपीज एनजीओ को ही क्यों डोनेट किया, स्पेशली वो हेमकुंद फाउंडेशन को क्यों डोनेट किया, उसका भी रीजन बताया अपने इंस्टाग्राम पर, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जहां पर वो बताया कि हेमकुंद फाउंडेशन जो है ग्राउंड लेवल पर काम करती है एंड वो जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है एंड लोगों का जान बचाने में हेल्प कर रही है। लिखा हुआ है, फ्रॉम प्रोकरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू सेटिंग अप देयर ओन ऑक्सीजन प्लांट, द हेमकुंद फाउंडेशन इज इंडिपेंडेंटली वर्किंग ऑन ग्राउंड टू सेव लाइव्स, इन दिस कैटास्ट्रोफिक टाइम्स दिस नोबल वर्क हैज अर्नड देम ऑर्गेनिक मीडिया कवरेज इन टॉप पब्लिकेशंस सच एज फोर्ब्स, द क्विंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, जीक्यू, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे एटसेट्रा, नॉट जस्ट यूट्यूबर्स बट क्रिकेटर्स एंड द मीडिया हैव ऑल्सो पार्टनर्ड विद द एनजीओ टू रेज फंड्स, ट्रूली बिलीविंग इन सेवा, हेमकुंद फाउंडेशन इज अ डिकेड ओल्ड गुरुग्राम बेस्ड एनजीओ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलोइंग ऑल गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स, दे आर सेविंग लाइव्स ईच डे, बिसाइड्स सप्लाइंग फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू कोविड एफ्लिकेटेड पेशेंट्स, द एनजीओ इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग फूड एंड बेसिक एमिनिटीज टू डोज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक अक्रॉस इंडिया। सो ऐसा भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वो लोग ने जो है हेमकुंद फाउंडेशन को ही क्यों डोनेट किया, बाकी और भी बहुत सारे एनजीओ थे बट उन्होंने हेमकुंद फाउंडेशन को ही क्यों चूज किया वो आपको पता चल गया होगा अभी। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं धीरू मॉन्चे के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कुछ टाइम पहले के वीडियो में बताया था कि धीरू मॉन्चे का एक वीडियो को जो है यूट्यूब ने हटा दिया ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस, बट उसका रीजन धीरू मॉन्चे नहीं बताया था, लेकिन कल धीरू मॉन्चे जो है बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किया जहां पर वो बताया कि उनका वीडियो क्यों हटा एक्जैक्टली। बेसिकली उनका वो जो वीडियो था वो यूट्यूब का चाइल्ड पॉलिसी को वायलेट कर रहा था, जिसकी वजह से उनका वीडियो को यूट्यूब ने हटा दिया। इसके रिलेटेड वो बहुत सारे स्टोरीज पोस्ट किए थे, थोड़ा सा वो गुस्सा भी थे यूट्यूब के ऊपर। मैं उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज दिखा देता हूँ। क्या कहते हैं तुम लोग कॉन्स्टेंटली डीएम करके और कमेंट्स में यूट्यूब के पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारा ओमेगा वाला वीडियो कहाँ गया, वो हमें दोबारा से देखना था, हटा क्यों दिया? मैंने नहीं हटाया दोस्तों, मैं क्यों हटाऊंगा, इतना अच्छा वीडियो था, मेरा फेवरेट वीडियो था वो। क्या कहते हैं भाई, ये आया है हमारे पास, क्या कहते हैं, हमने चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी जो है यूट्यूब की वो वॉलेटाइल कर दिया है, ऐसा यूट्यूब का कहना है। बाकी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था भयंकर, 2 दिन बाद 3 दिन बाद हटाया वीडियो, तो ऐसा होता तो पहले हट जाता ना। अभी ठीक है, मतलब जो भी है अभी हट गया, पीलो पील की मैंने नहीं कह रहा, यूट्यूब हटा दिया हमारा मन है भाई, हटा जाए तो ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे, आगे से कुछ नहीं करेंगे, बच्चों को इंक्लूड ही नहीं करना, पहले भी आ चुका भाई चाइल्ड सेफ्टी को लेकर, अभी मैं किसी भी वीडियो में बच्चों को दिखाऊंगा ही नहीं अपनी, मतलब उसमें था ओमेगा वाली वीडियो में 2-3 बच्चे थे जिनसे मैं कन्वर्सेशन कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें बच्चे हार्म हो रहे हैं कुछ हो रहे हैं, डांस कर रहे थे सिंपल और बात कर रहे थे। एक क्या कहते हैं, ये एक तुम्हें लग रहा होगा अगर तुमने वीडियो देखा होगा, क्या कहते हैं लड़का जो चेयर पे खड़े होकर भयंकर अपनी जिप, बच्चा जो होता है वो, मैं जब उससे बात कर रहा था तो वो चेयर पे खड़े होकर अपना एकदम जिप खोलने लगता है, लेकिन कुछ दिखाता नहीं है, नहीं कुछ उसमें गंदा होता है, वरना मैं क्यों डालता वीडियो में भाई, इतने टाइम से यूट्यूब कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कुछ भी डाल देंगे, बट माना भाई यूट्यूब का, यूट्यूब ने कह दिया वॉलेटाइल कर दिया, हमने ठीक है मान लिया, बच्चों को नहीं डाला भाई वीडियो में किसी भी। वाओ आता है फिर समय तेरी गाइस, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी बच्चों को पीटते हुए कुछ भी, बच्चों को हाम होते हुए नहीं दिखा सकते यूट्यूब पर, समझे समझे समझे।
तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, उसके राजवीर फिटनेस सीरीज के बारे में। तो आपको पता होगा बहुत टाइम पहले मैंने अपने वीडियो में कवर किया था कि राजवीर फिटनेस को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, बिकॉज उनके ऊपर जो है रेप केस का आरोप लगा था एंड अभी करंटली वो जेल पर है। तो उनके चैनल पर रिसेंटली उनके फादर ने एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो इस केस को लेकर एक अपडेट दिए एंड ऑल्सो कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात किए कि राजवीर जो है निर्दोष है, उनको जो है फंसाया गया है। जी, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं, उनको जो है फंसाया गया है, वही उनके फादर बताए अपने वीडियो में। अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, उसके स्काउट के बारे में। तो स्काउट ने ले लिया नया कार एंड वो फर्स्ट कार है उनका। वो एक स्टोरी पोस्ट के जहां पर वो लिखे, बॉट माय फर्स्ट कार, इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस पीपल हैविंग माय बैक ऑल द टाइम, ए बेबी स्टेप टुवर्ड्स माय ड्रीम्स, एंड यस ड्रीम डू कम ट्रू इफ यू बिलीव एंड वर्क हार्ड। एंड वो एक स्टोरी पोस्ट के वो कौन सा कार खरीदे वो तो नहीं बताए वो, लेकिन देखकर लग रहा है कि उन्होंने जो फरारी का कार लिया है। सो यस, महाटी कांग्रेचुलेशन टू हिम। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, उसके कैरे मिनाटी के बारे में। तो कैरे मिनाटी के जो मैनेजर है दीपक चार, वो जो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, तो वहां पर बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे थे कि कैरे मिनाटी का जो न्यू वीडियो कब आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत टाइम हो चुका है, कैरे मिनाटी का भी जो है न्यू वीडियो नहीं आया। तो उसके ऊपर वो क्या कहे आप देखिए। वीडियो कैरी की वीडियो यार अजय लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 85% डन है, बस 15% और रह रही है। तो बस जैसे ही 15% हो जाएगी और फिर कर देंगे उसे लॉन्च, लाइव कर देंगे, कोई सीन नहीं। 8th को आज क्या डेट है, 6th नहीं यार, भूमि अंडरस्कोर नॉट रियल 8th को नहीं आ पाएगी, सॉरी वीडियो। मुझे पता है 8th में को क्या सीन था लास्ट ईयर, बट 8th में को नहीं है इस साल वीडियो। जैसे काम हो जाएगा तब मैं बता दूंगा। रोस्ट वीडियो है या एनिमेशन, काफी कुछ है, वेट करो यार, वेट करो, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चलो इतनी हिंट देता हूँ, इस महीने आ जाएगी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, उसके लोका के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि लोका का जो एक्सीडेंट हो गया एंड बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी का अपडेट देते हुए लोका अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट किए जहां पर वो लिखे, आई एम इन गुड हेल्थ, लेट द इंटरनेट से वॉट एवर, गॉड इज द बेस्ट, थैंक गॉड एंड ऑल द पीपल हु केप्ट ऑन विशिंग सो मच फॉर मी, आई वोंट बी पोस्टिंग एनी मोर फोटोज और वीडियोज बिकॉज द हेटर्स कीप मेकिंग मीम्स एंड मेक अ जोक आउट ऑफ एवरीथिंग, बट दिस वंस फॉर ऑल द पीपल्स हु विश्ड फॉर मी, गोना बी ऑफ net for a while, see you soon, thanks for so much concern and so many messages, I really love you all, but I'm really sorry because in the condition I am, my shoulder joint is little injured, so can't reply too many messages, but once I am fine, I will thank all you personally, really sorry. So as वो बता अभी वो ठीक है, I hope वो जो जल्दी से जल्दी recover हो जाए and जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो बस आज के लिए बस इतने updates थे, अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने next वीडियो में।